मेरा नाम नंजगे लावत है और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे फ्लाइट सिमुलेटर के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, ये रडार सिस्टम हो जाएगा। तो इनका क्या प्राइस है टोटल उसके बारे में बात करेंगे, कहाँ से परचेज कर सकते हो वो बात करेंगे, इसको सेटअप कैसे करना है वो बात करेंगे। ठीक है, हाँ तो ये अपने पास लॉजिटेक के दोनों प्रोडक्ट्स हैं। लॉजिटेक का ये है फ्लाइट योक सिस्टम हो जाएगा, ये आपका जो फ्लाइट का रडार पैडल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग मंगाए हैं, मेरे नहीं है, फ्रेंड के हैं। जस्ट मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, हर चीज़ डिटेल बताऊंगा। तो इसका प्राइस और इसका प्राइस बताएंगे, साथ में आपको अब ये चीज़ लेके आए हो दोनों, फ्लाइट रडार पैडल्स हो गए, फ्लाइट योक सिस्टम हो गया, तो आपको इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि कुछ तो चाहिए ना जिसको उड़ाना भी, तो पीसी में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या आता है, ये रख देते हैं। इसमें आपके दो चीज़ें हैं, देखो एक तो आएगा आपका फ्लाइट का जो है ना योक सिस्टम हो जाएगा ये वाला, और आपका जो थ्रोटल क्वाड्रेंट आएगा ये सिस्टम, ये दो सिस्टम आएंगे इसके अंदर। और इसमें जस्ट ओनली पैडल्स आएंगे फ्लाइट के, रडार पैडल्स। और इसका प्राइस इससे ज़्यादा है अगर आपको नहीं पता हो तो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये चीज़ें हैं भाई आपका, इन्होंने थोड़े बहुत फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, ये चीज़ें आप देख लो। और इस साइड भी यही लिखा है, प्लस में इस साइड थोड़ी इनके डायमेंशन वगैरह, मतलब कि क्या क्या इसके बॉक्स के अंदर आता है वो चीज़ बता रखी है, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसमें दिखा देता हूँ, शायद आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये फिज़िकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है और ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। तो ये चीज़ें हैं इसके पूरे बॉक्स के अंदर। और इसमें भी अपने रडार पैडल्स आए थे, इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ये बता रखा है कि प्रिसाइज टेंशन मॉड्यूलर ये सिस्टम हो गया। और इसके बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत डायमेंशन वगैरह दे रखी है, इसके बारे में थोड़ा बता रखा है। और ज़्यादा जानना है तो इसमें थोड़ी बुक भी आती है, जो उसको बोलते हैं हर एक किसी भी प्रोडक्ट के साथ लोगे ना, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसके साथ आपको बुक पैम्पलेट मिलती है एक टाइप से, तो उसको पढ़ के आप उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हो कि किसको कैसे सेटअप करना है, उससे भी हेल्प मिल जाती है, मिल सकती है अगर आप चाहो तो। लेकिन मैं बता ही दूंगा क्योंकि ये बॉक्स खाली है अभी और इसमें सीडीज हैं फिलहाल के लिए। तो अगर इसको ऐसे करूँ, इसमें सीडीज हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। हाय कल्याण, तो कल्याण का ये सब कुछ भाई मैंने जस्ट बोरो किया उसे आपको दिखाने के लिए, ताकि अगर आपको चाहिए तो आप भी लेके आ सको। ठीक है, इसमें भी सीडीज हैं, इसमें अराउंड आई थिंक 7 या 8 सीडीज हैं जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। अब प्राइस के बारे में बात करते हैं, बहुत होगी और बकवक। तो जब कल्याण ने लिए थे तो इसका प्राइस था, फ्लाइट योक सिस्टम का प्राइस उसने बताया, लिख के रखा है। ठीक है, ये मैं सोचना, तो फ्लाइट योक सिस्टम का प्राइस बताया, मतलब पूरा दोनों मिला के, इसमें टोटल क्वाड्रेंट का भी मिला के, तो वो प्राइस बताया था कल्याण ने कि उसको पड़ा था 3500 रेंट का, मतलब कि ये आपका अराउंड हो गया 20,000 के अराउंड, मतलब ये जो अकेला यही है। ठीक है, ये 20,000 रेंट के अकेला हो गया। इसके अलावा रडार की बात करते हैं तो ये था 3,800 रेंट, मतलब कि ये भी आपका 22,000 से 23,000 लगा लो, या फिर इसका प्राइस कम करो तो मतलब इसका ज़्यादा है, 300 रेंट इसका प्राइस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं दो लेके आया। और जो सीडी का प्राइस है ना, सीडी का प्राइस इसका पड़ा था भाई आपका अराउंड 1,550 के अराउंड, मतलब कि 1,600 लगा लो, तो इतने का प्राइस इसका पड़ा है सीडी का। तो ये चीज़ है, अब ये प्राइस में और आपको जो ऑनलाइन प्राइस देखोगे ना उसमें दिन रात का फ़र्क मिलेगा, क्योंकि ये इतने मॉल से जाके लिया था, और जो आप प्राइस देखोगे उसमें जाके कि आप ऑनलाइन देखोगे तो ऑनलाइन डबल के अराउंड है। मैंने अभी चेक किया, अभी चलो डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, मतलब कि लैपटॉप की स्क्रीन पे, और जाके देखते हैं कि उनका प्राइस क्या दिखा रहा है। ठीक है, चलो अभी पीसी पे आ जाते हैं और डायरेक्ट इसको मतलब कि अपना कंपेयर करते हैं कितना फ़र्क है। ठीक है, स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ पे डालते हैं अपना लॉजिटेक का फ्लाइट योक सिस्टम, तो ये हो गया। जाते हैं शॉपिंग पे,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि योग सिस्टम का प्राइस 3500 रैंड, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दिखा रही है 5000 रैंड, तो ये अपना डिफरेंस हो गया 1500 रैंड का, ठीक है। तो इसमें इतना डिफरेंस है। अभी दूसरा देखते हैं, लॉजिटेक का ही रडर पैडल सिस्टम, वो दिखा रखा है इन्होंने, जो पीसी लिंक शॉप पे है उसका प्राइस दे रखा है 6220, तो ये डिफरेंस आ गया 2380 रैंड का। तो इतना फ़र्क है ऑनलाइन, ये ऑफलाइन में आता मैं भी, तो ऑफलाइन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। क्या क्या आपको देखना चाहिए, तो और तो मेरे को दिख नहीं रहा इससे कम में। इसके अलावा अगर मैं एक्सप्लेन की बात और करता हूँ, एक्सप्लेन का कितना क्या है, एक्सप्लेन 11, ओके, शॉपिंग पे ही, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो एक्सप्लेन 11 जो फर्स्ट वाली है, फ्लाइट सिमुलेटर एक्सप्लेन 11, इसका प्राइस दिखा रखा है इन्होंने 1721, तो ये डिफरेंस हो गया आपका, तो 150 के अराउंड लगा लो टोटल, ठीक है, डिफरेंस मोटा मोटा अगर लगाएं तो इतना डिफरेंस है। तो सब आपने देख रहे ना ऑनलाइन में, मतलब कि ऑनलाइन महंगा मिल रहा है। अगर किसी का भाई ये है कि अगर इससे सस्ता आपको कहीं बाहर मिलता है तो आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो, वो आपको देखना। तो अभी कंपैरिजन भी हो गया दोनों का, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का। हाँ, तो कंपैरिजन तो दिखा दिया मैंने आपको, उसके बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम सेटअप पे जाएंगे कैसे सेट करना है उसको। और देखो इसमें टोटल 9 DVDs हैं, ठीक है, 9 DVDs हैं। तो आपको एक डालनी है पहले PC में और उसको इंस्टॉल करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की वगैरह भी मांगोगे तो इसके मतलब यहाँ पे आता है, की आती है, वो की यूज़ करके आप स्टार्ट कर सकते हो इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के बाद वो जैसे ही फर्स्ट CD इंस्टॉल हो जाएगी, वो उसके बाद में आप नेक्स्ट CD मांगता रहेगा, ठीक है। जब 9 की 9 CDs हो जाएंगी तो मतलब स्पेस भी चाहिए इसमें अच्छा खासा, तो और प्रोसेसर भी आपका i5 तो नॉर्मल होना चाहिए, वरना आपका PC यार स्टक हो जाएगा बीच में, ठीक है। जब आप मतलब गेम तो इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन बाद में जब चलाओगे तो दिक्कत आएगी, बात ये। और इस पर दे रखा है कि भाई क्विक स्टार्ट मेन्यू मिलेगा आपको, तो ये चीज़ थी। इसके बारे में तो होगी बात सारी, अभी चलो सिस्टम को अपना मतलब कि सेट करते हैं, अपना पूरा सेटअप करते हैं यहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेटअप करना है और कैसे हर एक चीज़ है, ठीक है। तो जो उसके बॉक्स के अंदर सिस्टम थे, ये है फ्लाइट योक सिस्टम हो गया आपका, ये आपका हो गया थ्रॉटल क्वाड्रेंट, ये आपका रडर पैडल हो गया, इन तीनों को सेट करना भी इसी टेबल पे सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और दिखाते हैं जल्दी जल्दी से कैसे सेट होगा। तो सबसे पहले तो इसको बताते हैं कि कंट्रोल योक सिस्टम, जो फ्लाइट योक सिस्टम है, उसको कैसे सेट करना है। इसके लिए आपको ये मिलेगा उसके अंदर ही, जब आप इसको लेकर आओगे सेट करने के लिए, ये जो हिस्सा है इसके अंदर चला जाएगा और नीचे दिखाएंगे, नीचे आ जाओ और टाइट कर दिखा देंगे, पिंच जो आपको नीचे दिखेगा ये बोल्ट, इसको आपको टाइट करना है घुमा के। तो टाइट होने के बाद ये कहीं जाएगा नहीं, ये टेबल से अटैच हो गया, अच्छे से टाइट हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो आपका थ्रोटल क्वाड्रेंट है, थ्रोटल क्वाड्रेंट भी ऐसे ही सेट होगा जैसे ये किया है, ये भी इसे नीचे जाएगा, पास में ही रखना थोड़ा, और इसको घुमा के यहाँ पर टाइट हो जाएगा। तो ये भी कहीं पर नहीं, अगर ये हिलेगा तो मतलब टेबल हिलेगा, बात है अभी ये, ठीक है। अच्छे से टाइट कर देना कहीं भाई, बाद में तोड़ फोड़ दो। और इस साइड दिखाने की, ये जो टोटल क्वाड्रेंट की है यहाँ पे आ जाएगा, तो इस साइड आपको ये मिल जाएगा इसको अटैच करने के लिए। इसके अंदर ही हर एक का सिस्टम इसके अंदर अटैच होगा, और ये मेन कंट्रोल कॉलम है, मतलब कि इससे आपका PC में जाएगा, जो ये वायर है ना ये PC में जाएगी। तब रडर का क्या सिस्टम है, रडर भी नीचे जाएंगे आपके, तो अपने पैरों के हिसाब से इसको सेट कर लेना, ये चीज़ हो जाएगी। और जो ये हैं, ये पैडल्स को है ना मतलब कि मूव ना करे उस चीज़ के लिए है, ये दो जो बोल्ट के लिए यहाँ पे डल जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे है ना बोल्ट से है ना इसको टाइट कर सकते हो ताकि ऐसे कहीं पे भागे ना, ठीक है। तो टाइट हो जाएंगे ज़मीन में, अगर बोल्ट से इसको स्क्रू ड्राइवर लेके कुछ भी आप बोल्ट से इसको ज़मीन पे अच्छे से सेट कर सकते हो ताकि हिले ना। और जो ये केबल है, ये केबल भी अपनी इस साइड इसमें लग जाएगी, इसमें भी लगा सकते हैं मर्जी है, तो ये लग गई, ठीक है। और ये केबल पीछे में जाएगी, एक बार मैं थोड़ा ऑन करके दिखा देता हूँ, लाइटिंग वगैरह लाइट आ रही है, इसको यहाँ पे रखोगे, थोड़ी ग्रिप वाला होना चाहिए, मेरा ग्रिप नहीं है इसके नीचे क्योंकि ग्रिप हटी हुई है, कहीं बाद में बोलो यार गिर गया। और ऐसे रखने के बाद जो ये जो है ना आपकी USB टाइप केबल है, ये चली जाएगी इसमें, देखो अब यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है, नीचे देखो कि लाइट ऑन हो गई है, यहाँ पे लाइट ऑन हो गई है, और आपकी वहाँ पे देखो
यहाँ पे ये बत्ती चस रही है, मतलब ये ऑन हो गया है, बात ये है अब, ठीक है। इसके बाद इसमें आपका जो मैंने बताया वो गेम होना चाहिए एक्सप्लेन 11, वो इंस्टॉल्ड है, तो उसके बाद ये कंट्रोल कॉलम काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अभी ये कनेक्ट हो गया है, अब डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या सिस्टम है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अभी तक इतनी वीडियो देखी है तो भाई अगर ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वंदे मातरम, जय हिंद गाइस।